देश के 14 करोड़ ले आई बड़ी खबर, सब्सिडी देगी मोदी सरकार। दरअसल किसानों को 50% की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं छोटे और सीमांत सहित कई राज्य की महिलाओं को किसानों को 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी की घोषणा की गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा में जिसका खाता है उनके लिए खुशखबर। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में जिसका खाता है उनके लिए आपको मिलेगा सस्ता लोन आपके EMI। जोधपुर में ईद के दिन भड़की हिंसा। हिंसा के बाद लोग कैफे की मियाद शुरू, जिसके प्रशासन ने हालात को देखते हुए कैफे की मियाद बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। जोधपुर शहर में 48 घंटे के लिए कैफे बढ़ा दी गई है। जोधपुर में अब 6 मई की आज तक कैफे जारी रहेगा। प्रशासन की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। मोदी की हुई स्वदेश वापसी, फ्रेंच के राष्ट्रपति मैक्रों से मोदी मिले। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों की मुलाकात पर दुनिया भर की नजर। संसद गजर पटेल का विवाद, परशुराम जयंती पर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को ज्ञान के साथ शस्त्र भी उठाना चाहिए। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच शिरडी साई मंदिर में बिना लाउडस्पीकर बजाए ही काकड़ आरती की गई। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि बिना लाउडस्पीकर के मंदिर में रात और सुबह की आरती हुई। इस बारे में शिरडी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक गुलाबराव पाटिल ने बताया कि मंदिर के अलावा अजान के लिए भी लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया गया। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच शिरडी साई मंदिर में बिना लाउडस्पीकर बजाए ही काकड़ आरती की गई। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि बिना लाउडस्पीकर के मंदिरों में रात और सुबह की आरती हुई। इस बारे में शिरडी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक पाटिल ने कहा कि मंदिर के अलावा अजान के लिए भी लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया गया। बता दें कि साई मंदिर में साई समाधि में दर्शन के लिए भक्त सुबह 10 बजे एकत्र होते हैं और समाधि पर फूल चढ़ाते हैं। साई समाधि में मुसलमान और हिंदुओं के द्वारा फूलों को चढ़ाने के साथ ही प्रार्थना करने की परंपरा 100 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है। मंदिर में आज भी सभी धर्मों के भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मैं वैशाली का वार्ता, हेलकर 24।